भाई जो बारिश हो रहा है ना, मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ ज्यादा ही बारिश हो रहा है। I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. गाइज सुबह का टाइम हो चुका है 7 और हम लोग बस अभी नींद से उठ के फ्रेश हो चुके हैं। तीन बंदे, मैं, ओरी और अग्नि, बाकी प्रकाश एंड सुबह ऑलरेडी मतलब नींद से उठ ही नहीं रहे भाई। ये लोग तो कल से लेटा पड़ा है, ऐसे ही अभी भी ऐसे ही सोया हुआ है। और इधर रौनक जी उठ गया बट थोड़ा सा फोन वोन यूज कर रहा है। एंड हम लोग जाएंगे थोड़ा बीच साइड में, सनराइज तो देख नहीं पाए लेकिन फिर भी एक बार बीच का जो मस्ती है कल कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक गया और कम हो गया, सो आज वो कंप्लीट करेंगे। एंड वन मोर थिंग आपको इन्फॉर्म करते रहो गाइस, जो अभिप्सा जो होटल है तो इनका जो गाइस रूम सर्विस है वो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा है। बाकी रूम भी ठीक ठाक ही, आपको कल इन्फॉर्म किया था, रूम आप देख ही रहे हो, स्मीड एंड क्लीन है एंड रूम आके साफ भी करके जाते हैं लोग। एंड गुड मॉर्निंग शुभ, हाउ आर यू? फाइन ना? फिर आज पूरा दिन पार्टी मस्ती कैसे? हाँ पक्का ना भाई? अरे हम रुक रहे हैं यहाँ पे, ऑफिस कल है ना, फिर कल जाएंगे भाई आज तो स्टे होगा भाई, आज तो स्टे होगा भाई। भाई अभी जा रहा हूँ रूम एक्सटेंड करने, लिफ्ट में हूँ तो प्लानिंग हुआ ही आज हम लोग रुक जाएंगे। बेसिकली प्लान था आज घर जाने का बट एक्सटेंड करना आज, तो उसके लिए रिसेप्शन में बात करना है मेरे को। तो रेडी हो चुका हूँ, ज़्यादा नहीं, एक शॉर्ट्स और एक टी शर्ट पहन के निकलूंगा मैं, उरीजीत शुगो एंड ओगनी। एंड अभी जा रहा हूँ मंदरमणि बीच में, एक तो थोड़ा सा रील्स वील्स बना के थोड़ा घुमाएंगे और दूसरा अजीत का दोस्त है उससे मिलना है थोड़ा सा, तो काम है तो उसके लिए हम लोग अभी रूम से निकल रहे हैं। भाई नीचे जाके बातें करेंगे, बाहर बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। यहाँ से शंकरपुर है 1.70 किलोमीटर, ताजपुर है 7 किलोमीटर एंड नयाकाली मंदिर है 0.50 एंड यही वाला रूट है तेजपुर मंदरमणि जाने का वाया मेरिन ड्राइव होके, मतलब बीच साइड का जो रोड है वो रोड है के। एंड भाई साहब जो नज़ारा है भाई, इस साइड में तो फार्मिंग हो रहा है फिश का एंड इस साइड से पानी लेके आ रहा है, इस साइड भी फार्मिंग हो रहा है फिश का, इस साइड ड्राई फिश का फार्मिंग हो रहा है इस साइड में, राइट हैंड साइड में। वाओ ना प्यारा लग रहा है भाई। दोपहर का 12 बज रहा है और मंदरमणि बीच में आके पहुंच चुका हूं, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं था, आपको बताया भी था मैं, सो यहां पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, पूरी सब्जी और मैं मैगी खाया हूं।
एंड भाई अभी तो धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। और स्किन की हालत देखो क्या हो गया, लास्ट एक दिन है बस, एक दिन और एक रात में ये हालत है। तो यहाँ पे ह्यूमिड बहुत ज्यादा है, स्किन में तो भाई पूरा टैन बढ़ गया भाई, देखो भाई स्किन का हालत देखो। और सबसे एक चीज गंदा लगा मेरे को, अपने होटल में जो पूल है, पूल में ना ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जिसके चलते स्किन का हालत और भी खराब हो गया, जगह में इन्फेक्शन हो गया मेरा भी, अग्नि का भी, वो का भी। तो अभी तो फिलहाल खाना खा लिया हूँ, अभी थोड़ा खाना वाना खा के फिर बीच साइड में घूम के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह अभी मैं एक्वामरीन ड्राइव जो रिजॉर्ट है उसका मैं प्राइवेट बीच में आया हूँ, एंड मेरे दोस्तों सारे यहाँ पे, बाकी दोस्तों काम कर रहे हैं, एंड नाश्ता पानी तो हो ही चुका है, एंड वेदर भाई एकदम मस्त लग रहा है, मौसम बहुत सही है, अभी टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, थोड़ा कूल है अभी, एंड थोड़ा बीच साइड में घूम रहा हूँ, घूम के यहाँ से निकलेंगे, होपफुली रौनक भी आ सकता है यहाँ पे, अगर रौनक आता है तो उससे मिल लेंगे, मिल के साथ चलेंगे, अगर नहीं आएगा तो वीडियो बना लेंगे, नहीं नहीं बस नॉर्मल ही। ऐसा 5 मिनट के लिए रुका था यहाँ पे, रील्स वील्स बनाना था वो भी बना लिया मैं। एक्वामरीन ड्राइव इन का जो फैसिलिटीज जो देख रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पूल्स है, इनसाइड पूल, प्राइवेट बीच है। सो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हम लोग, रूम की ओर जाना है। हाँ हाँ हाँ, रूम्स भी सही लगा मेरे को, बीच भी सही लगा, एकदम मस्त फाइन। अंदर जो रेंट वगैरह है उसका मेरे को कंफर्म नहीं, वेदर कंडीशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। जिस रूट से आए थे उसी रूट में हम लोग जाएंगे, एंड रास्ता भाई लास्ट जो अप्रॉक्स 5 to 7 किलोमीटर भाई इतना ख़राब रास्ता था, आते वक्त तो भाई चला ही नहीं पा रहे थे गाड़ी हम लोग। दोपहर के 2 बज रहे हैं और रूम में पहुंच चुके हम लोग, लेकिन थोड़ा शायद रौनक और प्रकाश भैया थोड़े नाराज़ होंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, सुबह 9-10 बजे निकले थे और अभी आ रहे 2 बजे, तो वो लोग रूम में अकेले थे, तो बोल रहा था जाऊँगा जाऊँगा, मैंने बोला अभी आने का ज़रूरत नहीं है, रास्ता भी ख़राब है, तो शाम को जाके एक बार घूम लेंगे, तो लेट भी हो गया, रास्ता ख़राब था, आपने देखा भी है, तो देखता हूँ रूम में जाके क्या बोलता है। गाइस ब्लॉगिंग की फिलहाल शाम के लिए ख़त्म है, एंड कुछ तो दिखाई नहीं देगा इस टाइम में, तो अभी हम जा रहे हैं रूम में, अभी रूम में जाके फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर आज रात को ही निकलने का प्लान है, क्योंकि कल मंडे हो जाएगा, फिर सबका ऑफिस है और काम भी है सबका, मेरा भी काम है, जिसके चलते आज रात को ही निकलने का प्लान है, बट कितने बजे निकलूँगा वो प्रॉपर टाइमिंग मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, मैं रूम में जाके डिस्कस करूंगा। मेरा बाइक लेके रौनक गया है, एंड ओरिजित का जो बाइक है ओरिजित लेके गया है, ये जो बाइक है शुभो का है, तो शुभो का बाइक अभी मैं चला रहा हूँ। रात के टाइम में कुछ कंटेंट है नहीं, डाल नहीं रहा हूँ, बस यहाँ से जाके रूम में पहुँच के शुभो शायद एक दो चीज़ खरीदेगा, एंड उसके बाद हम लोग वहाँ से रेडी वेडी होके फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करके निकल जाएंगे। सो अभी के लिए यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मिलता हूँ रूम में जाके इधर रूम से निकल के एकदम रात। दोस्तों अभी आज का वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, एंड हम लोग अभी रूम से चेकआउट कर रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, एंड मेरे को लगेज जो है वो थोड़ा सा बाइक में रेडी करना है अभी, एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, सीधा जाएंगे कोलकाता, बीच में एक दो रेस्ट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे आज रेस्ट, एंड सारे बंदे दोपहर को शाम को आके रेस्ट लेके नींद पूरा हो चुका है सबका, एंड एवरीबॉडी इज़ फाइन राइट नाउ। जिसने आया था उस दिन तो शुभ का हालत बहुत ख़राब था, बट स्टिल राइट नाउ ही इज़ ओके, एंड बाकी लगेज रेडी करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, टाइम बहुत कम है क्योंकि कल सबका ऑफिस भी है, जिसकी वजह से हम लोग लेट नाइट निकल रहे हैं, एंड सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे तो फिर 2-4 घंटे रेस्ट भी मिल जाएगा सबको, बस भैया अभी रेडी करने वाले जितना जल्दी हो सके। तो रात का टाइम हो चुका है 10:10, और यहाँ पे जो होटल वाले है, जो रिसेप्शनिस्ट है, जो रूम सर्विस लोग है, वो वहाँ पे खड़े हैं, तो भाई मिलके तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, ठीक है ना,
ভালো লেগেছে তোমাদের সঙ্গে কথা বলে, তোমাদের ব্যবহার পরিচয়। আমি দীঘা তো অনেকবার এসেছি, বাট এই রুমে ফার্স্ট টাইম আমি সত্যি খুব ভালো সার্ভিস পেয়েছি। এটা মন থেকে বলছি, ভাবছি না ব্লক ফ্লক করছি বলে, এরকম কিছু না, এটা মন থেকে বলছি। দাদা খুব ভালো লাগে তোমাদের সঙ্গে কথা বলে। বেশ ইয়াসে টাইম দিখা রে 4 ঘন্টা 18 মিনিট অ্যান্ড 10:10 হো গিয়া। বিচ মে বস এক দু জায়গা মে রুকেঙ্গে হোপফুলি। সো ভাই আমি নিকলনা পড়েগা। দশ বাজে নিকলনে কা প্ল্যান থা, 10 বাজ চুকা হ্যাঁ। রৌনক সামনে খড়া হ্যাঁ, শুভ এ রহা। লগেজ থোড়া জ্যাদা হো গিয়া আজ, হ্যাঁ পুরা তো পতা চল ই রা হ্যাঁ। ওয়েট পুরা সামনে হ্যাঁ মেরা। এক রুট যা থা ওল্ড দীঘা হোকে ও বালা রুট পকড়েঙ্গে নেই হাম লোক। আর জেসে কি বোলা ভি থা, কুছ খায়া নেই অভি তক। সো কুছ খানা বানা খাকে দেন সিধা নন স্টপ নিকলেঙ্গে ভাই। রেল ক্রসিং কাজ গ্রেট হ্যাঁ, ও অলরেডি গির চুকা হ্যাঁ, টাইমিং বহুত খারাপ হ্যাঁ। इतने रात को निकल रहा हूँ, मेरे को मुकुटमणिपुर ट्रिप का याद आ रहा है। लॉकडाउन के बाद बाद जो मैं ट्रिप पे निकला था, अगर कहीं आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे प्लीज़ देख लेना वो वीडियो मुकुटमणिपुर वाला। वहाँ पे भी सेम करीब रात को 12-1 बजे निकला था मैं मुकुटमणिपुर से, एंड सुबह 6 बजे शायद कोलकाता पहुँचा था मैं वहाँ पे, वहाँ से भी। सो भाई वही चीज़ याद आ रहा है, पूरा खाली था, सुनसान था। लेकिन इस टाइम तो चलो दोस्त लोग हैं एक ही साथ ट्रिप कर रहे हैं। पता नहीं कुछ अलग ही फंडा चल रहा है भाई यहाँ पे। भाई इस रोड में ना बहुत स्पीड पे कर्स है, जिसके चलते थोड़ा देख के जाना होगा मेरे को ऐसे, क्योंकि लगेज पूरा फुल है, भैया भी पीछे बैठा हुआ है। सो मैं नहीं चाहता हूँ भाई कुछ गड़बड़ हो जाए। और भाई नज़ारा देखो, देखते कितना लवली नज़ारा है। दिन में तो आता हूँ नॉर्मली लगता है, कुछ खास है नहीं, बट अभी ये थोड़ा अलग ही लग रहा है भाई। सर लाइटिंग वाइटिंग लेके से निकलने से पहले थोड़ा सा खाना वाना खा लेना है, ज़्यादा हेवी नहीं, लाइट वाइट ही खाना है। लाइट वाइट कुछ चाय वाय या फिर कॉफ़ी वगैरह ही पीऊँगा अभी फ़िलहाल तो, इसके चलते यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं। ये रहा अपना गाड़ी, अंधेरे में दिखा रहा हूँ फ़िलहाल। लगेज तो भाई रेडी है पूरा, सैडल बैग जिसने आ रहा था उस दिन इतना भरा नहीं था, लेकिन आज थोड़ा भरा हुआ है सैडल बैग। एंड लगेज तो ज़्यादा लगा लिया, केदारनाथ की याद आ रहा है मेरे को। एंड होपफुली एक लंबा ट्रिप मारने वाला हूँ, एंड आप लोगों का क्या व्यू है मेरे को ज़रूर बताना, कहाँ जाना है नेक्स्ट टाइम, पहाड़, समुंदर और या फिर दूसरा जगह। और को भी यही स्टेटस डाला था, और को तेरे से पूछ रहा हूँ भाई, बोल दियो कहाँ जाना है नेक्स्ट ट्रिप। रात के बस 10:30 बज रहा है और मैं खड़ा हूँ अड्डा कैफे एंड रेस्टोरेंट के जस्ट सामने, ज़्यादा नहीं प्रॉपर दीघा से जस्ट 3-4-5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। एंड ये जो अग्नि है मेरा दोस्त, इनका कैफे है, उनका कैफे का नाम भी वही है अड्डा द कैफे, बट यहाँ पे अड्डा कैफे एंड रेस्टोरेंट है। चलो थोड़ा सा अलग है, यूनिक नेम है, स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है। जगह भी प्लेस ठीक ठाक ही है, लाइटिंग चलते और भी अच्छा लग रहा है भाई। रात के 12 बज रहा है एंड वेदर थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसके चलते थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ मैं। एंड बाकी लोग सामने ही हैं, बट मैं थोड़ा पीछे रह गया, थोड़ा फ़ोन आ रहा था इसके चलते बात कर रहा था मैं, 5 मिनट उनसे पीछे ही हूँ मैं। एंड यहाँ से गाइस प्रॉपर जो कलकत्ता का डिस्टेंस है 177 किलोमीटर ओनली। दोस्तों टाइम हो चुका है रात के 2 एंड मैं कोलाघाट पहुँच गया हूँ, सामने ही है, दोस्त लोग आगे पहुँच चुके थे तो मैं थोड़ा आराम से आ रहा था। इसके चलते 5-10 मिनट लेट ही था उनके, और यहाँ से बस 78 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस। और अभी मुझे रोकना है शेरे पंजाब, वहाँ पे रुक के चाय पानी या फिर जो भी खाना पुना करना है वहाँ पे करेंगे हम लोग। भाई ये लोग पहुँचा नहीं क्या अभी तक हैं? एक मिनट भाई, ये लोग है कहाँ पे, ये लोग पहुँचा नहीं क्या अभी तक? भाई देखते देखते सुबह का 3 बज चुका है एंड शेरे पंजाब से खाना वाना खा के निकला हूँ। अंदर वीडियो नहीं बना रहा था, बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया एंड फ़ोन का मेमोरी भी फुल हो चुका है। सो बस थोड़ा सा खाना वाना खा के निकल चुका हूँ यहाँ से। व्हाट्स योर दैट, क्या बोल रहा हूँ देखता हूँ।
अभी नॉन स्टॉप ही जाएंगे एंड अप्रोक्स 2 घंटे का टाइमिंग दिखा रहा है 72 किलोमीटर। भाई बारिश तो हुआ है एंड रोड तो भाई पूरा भीगा हुआ है रोड, कोई पिकअप ले नहीं रहा हूँ मैं भाई। हाईवे में 60 में गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम में, रात के टाइम में कोई रिस्क नहीं लेना। एंड बंदे जो पीछे है पीछे आ रहे हैं आराम से जा रहे हैं भाई। बारिश भी हो रहा है ऑलरेडी बोलते, क्योंकि ये तो बारिश हो गया इस साइड, लेकिन अभी बारिश हो रहा है फिर से हो रहा है भाई। तो प्लान है कि रुक जाऊँ या नहीं रुकूँ, लेट्स ही देखता हूँ। स्टिल फॉर द बेस्ट भाई। भाई जो बारिश हो रहा है ना, मैं बता नहीं पाऊँगा, कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, बट पूरा भीग गए भाई, पूरा भीग गए। अभी रुकने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे भाई। बारिश देखो भाई, खतरनाक, कहीं पे रुकने का जगह नहीं है भाई। दोस्तों टाइम हो चुका सुबह के 4 और यहाँ से बस 50 किलोमीटर डिस्टेंस है अपना रूम तक। एंड बारिश जो आया ना भाई, खतरनाक बारिश हो रहा है। मैं तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, बस दिख रहा है उधर थोड़ा बहुत दिख रहा है, गाड़ी जा रहे आ रहा है भाई। बहुत गंदा बारिश हो रहा है, पूरा भीगा हुआ हूँ मैं, नहीं सारे बंदे भीग गया, पूरा कपड़े खुल गया, अभी निचोड़ है कपड़े को। उसके बाद बारिश कम होने के बाद ही निकलेंगे यहाँ पे भाई। अभी तो फ़ोन का चार्ज भी खत्म हो रहा है, देखो भाई कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो ज़्यादा ही बारिश हो रहा है ना, कैमरा भी ब्लर हो रहा है धीरे धीरे। चलो बाद में बात करता हूँ। अभी मैं सांतरागाछी बस पहुंच चुका हूं, सामने है सांतरागाछी एंड गोलाघाट से लेके भाई रात को खाना भाई पूरा भीग के आया, पूरा भीग के कोई चांस ही नहीं था सुनने का। तो हम लोग को जहाँ पे सुबह 5 बजे का पहुंचने का प्लान था, वहाँ पे हम लोग सुबह 6:30 का दूर पहुँचेंगे। इससे अच्छा है कि सुबह हो गया, बारिश भी रुक गया, लेकिन कहीं ना कहीं भाई तबीयत में ख़राब हो जाए, अभी इधर में कांप रहा हूँ मैं। When you need my boo.